अस्सलाम वालेकुम। आई फाइंड आर यूथ टू बी बॉग डाउन बाई थ्री थिंग्स। बच्चों से मेरी मुराद एडोलेसेंट्स, जो बच्चे टीनेजर्स हैं, अर्ली ट्वेंटीज़ में हैं, बोल लेट ट्वेंटीज़ में भी, और डिस्ट्रेसिंगली अब थर्टीज़ और इवन फोर्टीज़ में भी लोग थोड़ा सा ये जो मैं अब दो तीन चीज़ें आपको गिनवाने लगा हूँ, इसका शिकार नज़र आते हैं। हम सब एक एक साथ ही हैं इस, किसी में ज़्यादा मसला है, किसी में कम। तो एक बेटे मसला है पेरेंट्स का, वी आर वेरी पेरेंट्स कॉन्शियस, हम कैसे दिखते हैं दूसरों को, अपने आप का तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, दूसरों को हम कैसे दिखते हैं, और बाय दिखना आई मीन लिटरली द अपेयरेंस, हमने क्या पहना हुआ है, हमारा फेस कैसा है, हमारा हेयर स्टाइल कैसा है, हमारे फेशियल जो सारे मामलात हैं वो कैसे हैं, हम कैसे बात करते हैं, हम अगर इम्प्रेस कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं इम्प्रेस कर रहे हैं तो कोई मसला है, वगैरह वगैरह। और इसका सबसे बड़ा जो इंडेक्स है वो है हमारी डिस्प्ले पिक्चर्स, जो कि किसी भी तरह से कई कई ऐसे लोगों की रियलिटी से काफ़ी दूर होती हैं, एंड यू नो व्हाट आई एम सेइंग, वो फिल्टर्स चिल्टर्स ये वो सारा कुछ कर कर के वो कोई और ही शय बन जाती है, वो आप नहीं होते। वैसे इस हद तक कि अब यूरोपियन कंट्रीज़ में एक रेगुलेशन आई है ऑन इन्फ्लुएंसर्स, जो यूट्यूब पे हैं और जो मीडिया पे, फेसबुक वगैरह पे हैं, टू नॉट यूज़ फिल्टर्स और टू आइडेंटिफाई व्हेन यू यूज़ ए सिग्निफिकेंटली फेस ऑल्टरिंग या अपेयरेंस ऑल्टरिंग फिल्टर। ओके, बिकॉज वो क्या रहा है, वो ये रहा है कि बच्चे उसको देख के, उस पिक्चर परफेक्ट खातून की या बंदे की शक्ल देख के या फिजीक देख के बच्चों का दिमाग ख़राब हो रहा है, और वो उस, क्योंकि वो उसकी असल तो है नहीं, असल तो वो है नहीं, वो एक फिल्टर है, वो एक डिजिटली इन्हेंस चीज़ है, एक ऑप्शन है, तो, लेकिन जो इंसान उसको फॉलो कर रहा है वो उसको रियल समझ के फॉलो कर रहा है, सो ऑब्वियसली इट्स नॉट गोना हैपन, या इट विल हैपन इफ़ यू डेडिकेट योर लाइफ टू लुक लाइक दिस, तो वो इवेंचुअली शायद आप कर पाएं, और शायद अगर आप ना कर पाएं फिर आप क्या करेंगे। दूसरा बेटे करियर है, द करियर चॉइसेस आर मोनोटोनस, एटलीस्ट इन पाकिस्तान, आई डोंट सी देम एनी डिफरेंट इन आर नेबरिंग कंट्रीज इन द मिडल ईस्ट। हाँ, जैसे जैसे आप वेस्ट में जाते हो तो आप डाइवर्सिफिकेशन देखते हो, आप ऐसे ऐसे एक्चुरियन साइंसेस का पता है क्या होते हैं, मुझे भी नहीं पता था, समबडी एक्चुअली टोल्ड मी एंड देन आई हैड टू लुक इट अप। ठीक है, माय फ्रेंड कॉल्ड मी यस्टरडे एंड ही सेड के उसका बेटा यूके में एस्ट्रोफिजिक्स कर रहा है, तो आई सेड व्हाट, फिर मुझे बताया कि वो नासा वैसा में उसकी जॉब शॉप लगने का जो पाथ होता है वो एस्ट्रोफिजिक्स होता है, मैंने कहा नासा आई नो। तो एक करियर चॉइस है, उसमें मोनोटनी है, और वो हम ये चाहते हैं कि हम कोई ऐसा करियर पकड़ लें कि ढेर सारे पैसे हमें मिल जाएं, पैसा, फेम, घर बन जाए, अच्छी लड़की से शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, एंड रिपीट, दिस इज द मिडिल क्लास ड्रीम, पिक्चर परफेक्ट मिडिल क्लास ड्रीम है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के मुताबिक बात कर रहा हूँ, मैं किसी को गरीब अमीर मिडिल क्लास नहीं कह रहा, लेकिन सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के मुताबिक आप या तो लोअर स्ट्रेटा में होते हैं या मिडिल में होते हैं या अपर एंड पे होते हैं। मैं अपर और लोअर एंड की बात नहीं कर रहा, मैं जो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ क्लास है वो मिडिल क्लास है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो जो हैं यानी हम सारे वो इसमें फिट होते हैं, पैदा हुए हैं, करियर पकड़े हैं, ये सारी जो मैंने चीज़ें गिनाई हैं ये अचीव करें और फिर मर मुर जाएँ एंड अपने बच्चों को इसी साइकिल पर लगा जाएं जिस साइकिल में हम हैं। तीसरी बात है फैमिली मैटर्स, हमारा जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द ऑपोजिट जेंडर, हम जब टीन्स में होते हैं तो हम इक्तफा करते हैं सिर्फ मिलने मिलाने पे, जैसे डेटिंग कहते हैं, डेटिंग कल्चर बन चुका है अनफॉर्चुनेटली, इवन अर्ली ट्वेंटीज़ में जब हम होते हैं तो हम इसी पे इक्तफा करते हैं कि यार apparently there is no other choice but to just see the girl or the girl seeing the boy in dingy places or you know secretively or ab mera khayal hai kafi openly aur iske alawa koi aur option discuss nahi hota kyunki wo dusra option jo permanency wala hai marriage wala hai wo to abhi hum young hai na hum abhi afford hi nahi kar sakte wo uske phir mukhtalif jumre hote hain to mera aaj focus kuch is tarah se hai main sari baaton ka jawab to nahi de paunga yani appearance ka career ka aur family matters ka lekin ye ek shuruaat hai main kuch kuch baatein karunga inshaallah to appearance ko ek had tak
एक हद तक रखें पेरेंट्स को, पेरेंट्स को ना वबाले जान अपने लिए ना बना लें, ठीक है ना। बहुत आगे कॉम्प्लिकेशंस और भी हैं, ठीक है, मामला तो और भी हैं। और बेटे अपेरेंस में आपकी जो चेहरा है तो अल्लाह सुबहाना व तआला ने अपने हाथ से बनाया है, वो कैसे गलत हो सकता है, वो कैसे पैड़ा हो सकता है, ख़राब कैसे हो सकता है, मुझे बताओ। वो तो आई ऑफ द बेहोल्डर है जो ख़राब है। आपका चेहरा तो बिल्कुल ठीक है, मेरे बच्चे भी मेरी बच्चियाँ भी हैं। दूसरा कपड़ों उपड़ों पर ना, बी 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 वाइज हाउ यू स्पेंड इट। इन आर कॉलेज आई सी, आई हैव बीन टोल्ड बाई माई फीमेल कॉलिग्स दैट पीपल रियली यू नो वेयर एक्सपेंसिव स्टफ, इफ यू कैन अफोर्ड इट फाइन, लेकिन थोड़ा सा मियाना रबी के साथ रहें, अच्छा आपके लिए अच्छा रहेगा आगे। और अब बात कर लेते हैं करियर की। तो करियर पे मैं एक चीज़, एक टॉक बार बार पुट ऑफ कर रहा हूँ, वो डिटर्मिनिज्म के मुतल्लिक है, कज़ाए इलाही से रिलेटेड है, इंशाल्लाह आई विल गेट टू इट। लेकिन क्या मैं आपसे डिस्कस करूं या आपके साथ शेयर करूं कि अगर एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, इफ यू हैड ऑल द मनी दैट यू नीडेड एंड मोर, इफ यू हैड ऑल द थिंग्स दैट यू नीडेड एंड सम मोर, व्हाट करियर वुड यू देन हैव चोजन? आस्क योरसेल्फ दिस। हर चीज की गारंटी है, पैसा भी आपके पास अच्छा खासा आ जाएगा, आ गया है, चलें आपको आज दे देते हैं पैसे, गाड़ियां भी दो तीन खड़ी कर देते हैं और अच्छा सा एक घर आपके लिए बना देते हैं, फर्निश कर देते हैं उसको, फिर आप क्या करेंगे? और अब आपसे पूछा जाए कि आपका प्रोफेशन क्या होना चाहिए, आप कौन सी बेटे स्टडी करना चाहोगे, क्या पढ़ोगे? एक जुमला मुझे याद आता है थ्री इडियट्स का, आमिर खान साहब पुट्टी मूवीज बनाते हैं क्योंकि कोई ना कोई उसमें मकसद होता है। उसमें वो जो फोटोग्राफर फ्रेंड होता है उनका, उनके वालिद और उनका एक डायलॉग होता है, वो आई रियली लाइक इट, जहां पे वो कन्विंस करना कर रहा होता है अपने बाप को कि मुझे फोटोग्राफर बनने दें, मैंने नहीं इंजीनियर बनना। तो उस पे बाप जो है वो जाहिर है उसने वो सारा प्रोग्राम्ड है, सोसाइटी के प्रेशर्स ये वो सारा, कहता है क्या करोगे तुम, यानी तुम्हारे पास पैसे कम होंगे, तुम कमाओगे कम, लोग फोटोग्राफर कहेंगे तुम्हें, तुम कोई लड़की नहीं देगा तुम्हें, तुम सही तरह मैनेज नहीं कर पाओगे अपने इकोनॉमिक अफेयर्स, तुम क्या। लड़का एक जुमला कहता है, वो कहता है बाबा कम कमाऊंगा खुश तो रहूंगा। हैं उस पर हर बाप, जो अगर कोई बाप इसका सुन रहा है तो जाहिर है कि उसका दिल पसीज जाता है अब फिल्म में बाप का, और कहता है अच्छा यार जा कर, वो लैपटॉप बेच के जा कैमरा ले ले अपना, बड़ा वो सेंटीज़ा सीन है। और सो बेटे अगर हर चीज़ की गारंटी है, कौन सा करियर आप ज्वाइन करेंगे? फिर आप मेडिसिन करेंगे हैं या इंजीनियरिंग करेंगे या वट एवर यू हैव थॉट अबाउट योर लाइफ, तो कैन आई टेल यू कि रिजक तो है ही प्री डेस्टिंड, हर चीज पहले से है। ये अम्मी अब्बा से सुनी होगी बात, खुद भी पढ़ी होगी, 10,000 दफा दीनियात में पढ़ी होगी, करोड़ हाथ दफा यूट्यूब पे देखी होगी कि रिजक तो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह अल राज़िक हैं, अल्लाह अल राज़िक हैं, तो रिजक वो देते हैं। मानते क्यों नहीं है फिर हमें ये बात, हमें क्यों ये टेंशन है कि नहीं जब तक हम एक फला फला चीज नहीं करेंगे तब तक हमारे पास पैसे नहीं आएंगे, अच्छी जगह शादी नहीं होगी, रिश्ता नहीं मिलेगा अच्छा, या फला जगह घर नहीं बनेगा, या हमारी सोशल स्टैंडिंग नहीं होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। ये तो हर चीज़ प्री डिटर्मेंड है। अगर ये साबित कर दूं कि ये सारी चीज़ें प्री डिटर्मेंड है, तब तुम क्या करोगे? वॉट विल यू चूज देन इज माई क्वेश्चन टू यू। हैं फैमिली मैटर्स पे बेटे शादी इज द ओनली वे यू गाइज कैन बी टुगेदर, द ओनली ग्रेसफुल, द ओनली प्रेस्टीजियस। आप ये देखो कि जिस लड़की के साथ आप डेट कर रहे हो, आप वो डेट ना करो, आप उसके घर रिश्ता भेज दो, आप शादी कर लो उससे, निकाह कर लो, हैं, जायज हो जाएगा, ग्रेस रहे, उसकी इज्जत रहेगी, लोग उसको जज नहीं, आप जैसे नमूने होंगे जो आपके साथ बैठी हुई बच्ची को जज करेंगे। डू यू वॉन्ट दैट? इफ यू आर दैट पर्सन कि जो किसी की इज्जत इस तरह से कैजुअली ले, तो फिर बेटे ये वीडियो आपके लिए नहीं है, फिर यू नीड टू अंडरस्टैंड लाइफ एंड अ बिट मोर, ओके। बट द वंस हु हैव ऑनर इन देम, द वंस हु टेक देयर ओन विमेन फोक विद इन ऑनर, दे विल ऑनर अदर पीपल्स विमेन, ओके। और अगर आप बेटी हो मेरी, अगर आप बेटी हो जो सुन रही हो, तो बेटे ना टाइम अपना जाया करो, ओके। लड़के शायद 5 में से 2 डिसेंट होते हैं, बाकी 3 फजूल होते हैं, मैं खुद कह रहा हूँ, ठीक है ना, ये करो।
डू द डिफिकल्ट थिंग बेटे, डू द डिफिकल्ट थिंग. समबडी इज गॉट इंटरेस्टेड इन यू, दैट्स फाइन, दैट्स ऑल राइट. आस्क द पर्सन टू सेंड द पेरेंट्स टू द पेरेंट्स, दैट्स द वे इट्स डन बेटे. नो टॉम फूलरी, शॉर्टकट नहीं है बेटे जिंदगी में. पहले भी कहा है, फिर से कहूंगा, कहता रहूंगा, शॉर्टकट नहीं. गुड टाइम्स को परमानेंट कर दो. ये गुड टाइम्स जो टेम्प्रेरी वाले होते हैं ना, ये फजूल होते हैं, इनके नतायज भी फजूल होते हैं और ये फजूल होते हैं. मान लो बात, करके देखना हर चीज का जरूरी नहीं होता. कई चीजें उन लोगों से सीख लेनी चाहिए जिन्होंने फजूल राहें ली, गिरे, रुसवा हुए, और वो चाहते नहीं कि अब फजू और लोग रुसवा हों. हैं, मेरे पास बच्चे आते रहते हैं, ज़्यादातर रिपेंट करते हैं ये सब चीज़ें. डू द राइट थिंग, डू द निकाह, सेंड सेंड द पेरेंट्स. उसको बल्कि चलो अगर ये सब कुछ मुश्किल लगता है, उसको उस नज़र से देखो कि चलो मैंने इसके साथ अब कमिट करना है. ठीक है ना? इसमें मैं पूरी एक सेगमेंट करूंगा कि ये कमिटमेंट इतनी आसान कैसे हो जाती है. और ये सर ये आप क्या बात कर रहे हैं, मैं तो अभी उसको बस सिर्फ पसंद ही करता हूँ, और मैं क्या उसको मतलब मैं कमिट कर लूँ तो कैसे पता लगेगा मुझे कि शी इज़ द वन और ही इज़ द वन, ब्ला ब्ला ब्ला. इसमें पूरी एक अलग इंशाल्लाह वीडियो करूंगा. एंड में, आर यू अ डक और एन ऑस्ट्रिच? विल यू फॉलो वॉट जस्ट अबाउट एवरी वन एल्स इज डूइंग? बिकॉज डक्स डू दैट. वुड यू बी एन ऑस्ट्रिच जो कि डेंजर आते ही अपना मुंह जो है वो जमीन के अंदर घुसा लेता है? आर यू नॉट, डू यू डोंट हैव सब्सटेंस टू फेस टू द चैलेंजेस जो आपके लिए आए, जो जो आपकी फैमिली के लिए आए, योर लव्ड वंस? और वुड यू जस्ट रन अवे फ्रॉम द फर्स्ट साइन ऑफ ट्रबल? आई वाज थिंकिंग अबाउट अ वुल्फ. अ वुल्फ हैज ऑनर, इट हैज अ ब्रो कोड और अ गर्ल कोड. ओके, वो अपने ख्याल रखता है क्लैन का और पैक में रहता है. पैक के अपने कवायद होते हैं जिसको वो ऑब्जर्व करता है. खाता है तो मिल के खाता है, मरता है तो मिल के मरता है. अ वुल्फ इज नॉट अ डक, एंड सर्टनली अ वुल्फ इज नॉट एन ऑस्ट्रिच.